Good morning, students. So again, welcome in your bio class. Today's topic basically it is proof for DNA as a genetic material. आपको प्रूव करना है कि DNA एक genetic material है. So before we start this topic that DNA is a genetic material, we have discussed transforming principle, which we have already discussed in previous video. But today I just give you conclusions point transformations principle. Transformation principle basically क्या है कि जो S cell है, S cell heat kills S cell क्या है, वो mice को diet करने मतलब मारने के लिए capable है, ठीक है. और R जो होती है R cell, वो mice को मार नहीं सकती है. Clear student? और जब हीट किड एस सेल को आर सेल के साथ मिक्स करके और माइस को इंजेक्ट किया जाता है, तो माइस उसमें डाई हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, किल हो जाता है. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हीट किल्ड एस सेल जो है वो उन्होंने आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट कर दिया. जब आर सेल एस सेल में कन्वर्ट हो गई तो माइस डाई हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, मतलब आर सेल इज कन्वर्ट इनटू एस सेल, ठीक है. दिस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. इट इज गिवन बाय ऑस्फर्ड आइबेरी कोलिन मैकलियोड और मैकलियन मैकल्टी, ठीक है. This is the name of scientist. Or ultimately, they have concluded that DNA is a hereditary material. ये जो experiment है, transforming experiment, it is called as Griffith experiment. कौन सा experiment है ये? Griffith experiment. Clear, student? Now, genetic material is a DNA. DNA genetic material है. इसका प्रूफ किसने किया था? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. तो देयर आर टू एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट वन इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, और हर्शे एंड चेज जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. तो बेसिकली किस तरीके से उन्होंने फाइंड आउट किया? फिगर गिवन 6.6, दिस वन, दिस फिगर इज ऑलरेडी गिवन, ये दिस वन 6.5, द हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट. क्लियर स्टूडेंट? ये एक्सपेरिमेंट क्या है? फर्स्ट पहले हम आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है ये, फिर इसको डिटेल बताते हैं. तो बेसिकली इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस यूज़ किया है. ये क्या है? बैक्टीरियोफेज. कैसा है ये? बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज वायरस बेसिकली सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है. तो ये क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस. क्लियर? इसमें एस लेबल्ड मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और पी लेबल्ड डीएनए. पी मतलब फास्फोरस, फास्फोरस लेबल्ड डीएनए और एस लेबल्ड प्रोटीन. एस किसके लिए? प्रोटीन. इस तरीके से दो बैक्टीरियोफेज लिए हैं, एक में एस लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है, एक में पी लेबल्ड डीएनए है, ठीक है. और इसकी ये प्रोसेस, ये इन्फेक्शन प्रोसेस, फिर ब्लेंडिंग प्रोसेस एंड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, तीनों प्रोसेस करने के बाद अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकल रहा है कि जो रेडियो एक्टिव पी है, नो रेडियो एक्टिव पी डिटेक्ट इन अ सुपरनेंट, ठीक है. रेडियो एक्टिव पी डिटेक्ट इन अ सेल, जिनमें रेडियो एक्टिव पी डिटेक्ट हुआ है और कुछ में रेडियो एक्टिव एस डिटेक्ट हुआ है. क्लियर? तो जिसमें पी डिटेक्ट हुआ है वो इन्फेक्टेड है, और पी मतलब फॉस्फेट ग्रुप, तो डीएनए का एक पार्ट होता है ना फॉस्फेट ग्रुप, और जिसमें एस है वो इन्फेक्टेड नहीं है. बेसिकली इसका कंक्लूजन ये है. अब ये कैसे प्रोसेस हुई है, ठीक है, इसको बताते हैं. सम बैक्टीरियोफेज वायरस वर ग्रोन ऑन मीडिया दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सम अदर मीडियम विच रेडियो एक्टिव सल्फर. कुछ ये रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ग्रुप लिया, रेडियो एक्टिव, ये कौन सा? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस,
ये क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और ये रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है ना। तो दो बैक्टीरियल, सम बैक्टीरियोफेज वायरस आर ग्रोन इन मीडियम विच कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम इन अनदर मीडियम विच रेडियो एक्टिव सल्फर। कुछ बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम पर ग्रो किया है और कुछ को किस पे किया है, फॉस्फोरस ग्रुप पर, ठीक है। द वायरस ग्रोन इन अ प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेमिनेटेड रेडियो एक्टिव डी एन ए। जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट में जो ग्रो किया है उसमें जो डी एन ए आ रहा है वो इन्फेक्टेड आ रहा है, समझ में आया। उसमें P32 है, मतलब इस डी एन ए में जो फॉस्फोरस है वो 32 है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव 32 में डेवलप किया है और उस मीडियम पर ग्रो किया हुआ, ठीक है। सिमिलर वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेंट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। और जो रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम पे ग्रो किया हुआ है बैक्टीरिया, सॉरी वायरस, उसमें बेसिकली क्या है, वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन को कंटेन कर रहा है, क्लियर। तो जिस आउटसोर्सिंग में और जिस मीडियम पर वायरस को डेवलप किया है वो वही चीज़ को कंटेन कर रहा है, ठीक है। जैसे रेडियो एक्टिव पी वाला, जो P32 वाला, तो उसके डीएनए में रेडियो एक्टिव P32 आ रहा है, और जो एस वाला है, S35 वाला, तो उसके प्रोटीन में S35 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है, डीएनए में। डीएनए में पी आर जो है फॉस्फेट ग्रुप वो 32 वाला है और प्रोटीन में जो सल्फर ग्रुप है वो 35 वाला है, ठीक है बेटा। थर्ड क्या है, सिमिलर वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जो रेडियो एक्टिव एस में जो ग्रो किया हुआ है उसमें जो प्रोटीन है वो कैसी है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में जो ग्रो किया है उसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। बोथ द रेडियो एक्टिव वायरस टाइप वर अलाउड टू इन्फेक्टेड ईकोलाई सेपरेटली, ठीक है। दोनों वायरस से ईकोलाई को क्या किया, इन्फेक्ट किया गया, ठीक है। उनको अलाउ किया गया कि वो ई वायरस के ऊपर अटैक करें। सून आफ्टर इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेल वर जेंटली एजिटेटेड इन ब्लेंडर टू रिमूव वायरल कोट फ्रॉम द बैक्टीरिया। अब इन्होंने क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफेज थे इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल तो इसमें डाल दिया बैक्टीरियल सेल पर और कोट ऊपर रह गया, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसमें अंदर डाल दिया और कोट क्या रह गया, बाहर रह गया, ठीक है। सून आफ्टर इन्फेक्शन द बैक्टीरियल सेल वर जेंटली एजिटेटेड इन ब्लेंडर और इस तरीके से उसको खूब ब्लाइंड किया। द कल्चर वॉज ऑल्सो सेंट्रीफ्यूगेटेड टू सेपरेट। इसके बाद जो कल्चर मिला उसको सेंट्रीफ्यूग करके और सेपरेट किया, ठीक है। और वायरल पार्टिकल्स जो निकले बैक्टीरियल सेल से वो कैसे निकले, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑब्जर्वेशन। तो ये दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट है कि बैक्टीरियोफेज दो तरीके से डेवलप किए, दो मीडियम पर, एक रेडियो एक्टिव एस और एक रेडियो एक्टिव पी। जो रेडियो एक्टिव पी था उसमें उसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 कंटेन कर रहा है और जो एस वाले में डेवलप किया S35 वाले में उसके प्रोटीन में S35 है, ठीक है। और उसको इस तरीके से इन्फेक्टेड करके उसको सेपरेट किया। क्या ऑब्जर्वेशन आया, ओनली रेडियो एक्टिव पी वर फाउंड टू बी एसोशिएट विद द बैक्टीरियल सेल वेयर एज रेडियो एक्टिव S35 वॉज ओनली फाउंड इन सराउंडिंग मीडियम एंड नॉट इन बैक्टीरियल सेल। जो जेनेटिक ये इसमें से फर्स्ट जो पॉइंट आया कि सिर्फ जो P32 वाला था, ये P32, ठीक है ना, ये वाला कौन सा हो जाएगा, P32, ठीक है, P32 वॉज फाउंड विद एसोशिएट विद बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के साथ जो पार्टिकल्स मिले वो P32 के मिले, ठीक है, ठीक है। वेयर एस रेडियो एक्टिव एस, और रेडियो एक्टिव जो एस था, ये रेडियो एक्टिव एस है ना, रेडियो एक्टिव एस, एक्टिव एस ये कहाँ मिला, रेडियो एक्टिव एस ओनली फाउंड इन सराउंडिंग मीडिया नॉट इन बैक्टीरियल सेल, ये सिर्फ ऊपर ही रहे बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं मिले। दिस इंडिकेट, तो ये जो प्रोसेस क्या इंडिकेट करती है, दैट ओनली डीएनए इज
only DNA and not protein code enter in a bacterial cell. इससे ये clear हुआ कि जो DNA particles थे वो ही enter हुए, protein code enter नहीं हुआ, क्योंकि वो protein वैसे भी enter नहीं होता, उस cap बाहर हो जाता, genetic material बस enter होता है, ठीक है? तो DNA enter हुआ, और वो जो DNA था उसमें P32 था, वो DNA में क्या था, P32 था, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? क्लियर स्टूडेंट? द इंडिकेट दैट ओनली DNA एंड नॉट प्रोटीन कोड एंटर द बैक्टीरियल सेल. जो S वाला था वो उसमें ये प्रोटीन कैप्सूल था, तो ये तो बाहर रह गया, बट DNA कहाँ हो गया, बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गया. क्लियर? तो उसमें DNA जो कौन सा वाला मिला, P32 वाला. दैट प्रूव दैट दैट DNA इज अ जेनेटिक मटीरियल which is passed from virus to bacteria and not protein. तो इससे ये क्लियर हुआ कि DNA का जो प्रोटीन, वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है वो जेनेटिक मटीरियल नहीं है, वो बाहर हो जाता है, और उसका जो जेनेटिक मटीरियल है DNA वही एंटर होता है. तो इसका जो DNA मिला था, कैसे कन्फर्म हुआ कि DNA एंटर हो रहा, क्योंकि वो P32 वाला था. DNA में जो फॉस्फेट ग्रुप में जो फॉस्फोरस था वो P32 वाला था. इससे क्लियर हुआ कि DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल. क्लियर स्टूडेंट? अब जेनेटिक मटेरियल के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है? फर्स्ट क्या है, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिकेट बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. पहले उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन. और DNA ही सिर्फ रेप्लिकेट कर सकता है, प्रोटीन नहीं. इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. सेकंड, DNA शुड बी और जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरल स्टेबल. केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. क्लियर? ठीक है, दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. थर्ड, इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज. यदि इसमें कोई चेंज होगा तो वो स्लो होगा और या ग्रेजुअली होगा. इट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. मतलब DNA म्यूटेशन को भी शो करेगा, ठीक है? टाइम टू टाइम, हमेशा नहीं. म्यूटेशन मीन्स इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशंस. प्रोटीन कोड म्यूटेशन शो नहीं कर सकता है, बट DNA शो करेगा, विच रिजल्ट इन इवोल्यूशन. तो जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, इट इज ड्यू टू चेंज इन DNA. इवोल्यूशन की प्रोसेस किससे हो रही है, चेंज इन DNA. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल. नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस. इसमें DNA में एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है, क्लियर, और इनहेरिटेड होती है. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर. और ये जीन के रूप में जो है, मेंडेलियन ने उसको कैरेक्टर कहा, बट वो बेसिकली जीन है, जीन मेंडेलियन कैरेक्टर्स के रूप में अपने को एक्सप्रेस करती है. इट्स should be able to express itself in the form of Mendelian character. So this is the basically characteristic feature of genetic material. ठीक है student? Now next point, ribonucleic acid. अब ribonucleic acid क्या है, ठीक है? DNA और RNA. DNA भी आपने read किया, ribonucleic acid और RNA. RNA के basic डिफरेंसेस क्या है DNA से, और उसका नेम क्या है, और क्या कंपोनेंट्स में क्या बेसिक डिफरेंस है. फर्स्ट, RNA इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड. इट इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, मतलब DNA से पहले RNA, क्योंकि सबसे जो पुराने जो कैरेक्टरिस्टिक है वायरस है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है, और दे कंटेन RNA, ठीक है ना? वायरस RNA कंटेन करते हैं. तो जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है. इट इज RNA. क्लियर स्टूडेंट? सो RNA इज अ फर्स्ट
First, genetic material. Take material. Second point, इट्स बिहेव एज अ कैटलिस्ट. आर एन ए बहुत सारी रिएक्शन में कैसे बिहेव कर रहा है. आर एन ए बिहेव एज अ कैटलिस्ट एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल. ये कैटलिस्ट भी है, कैटलिस्ट और एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, material. Clear, student? Third, RNA can synthesize DNA. RNA DNA को भी synthesize करता है reverse transcriptions में. ठीक है ना, ये जो AIDS का जो virus होता है reverse transcriptions इसमें show होता है. Means reverse transcription का मतलब क्या हुआ, RNA form DNA. Natural form में क्या होता है, DNA form RNA, but reverse transcriptions में RNA form DNA. Next, जो backbone होती है RNA की जो backbone होती है वह sugar और phosphate से form होती है, आपको पता है. But RNA की जो backbone होती है वो pentose sugar, कौन सी होती है उसमें, ribose sugar. Pentose sugar तो होती है but उसका name क्या होता है, ribose sugar plus फॉस्फेट ग्रुप ना, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इसकी बैकबोन. और ये बैकबोन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसी से ही नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होते हैं. यदि बैकबोन नहीं होगी तो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड नहीं होंगे. क्लियर स्टूडेंट. द 2H ग्रुप, अब इसमें आपने डीएनए में द पोलैरिटी रीड किया ना, एंटी पोलैरिटी. यदि एक स्ट्रैंड 3:5 का होगा तो दूसरा 5:3 का होगा. क्लियर स्टूडेंट. तो इसमें जो 3:5 और 5:3 किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप होता है तब वो 3OH ग्रुप होता है. ठीक है ना, और फिफ्थ पर उसमें कौन सा फॉस्फेट ग्रुप होता है तभी वो 3:5 और 5:3 को डिनोट करते हैं. क्लियर स्टूडेंट. बट RNA में 2OH ग्रुप होता है. RNA में क्या होता है, द 2OH ग्रुप ऑफ राइबोस, 2OH ग्रुप ऑफ राइबोस. ये मैंने कोट किया था जब आपको ओरिएंटेशन बताया था, उस समय ये टर्म्स को कोट किया था कि 2OH ग्रुप ऑफ राइबोसोम होता है. क्लियर. इट मार्क्स RNA लाइबल एंड ईजली डिग्रेडेबल. और ये जो टू कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है ये RNA को क्या कर देता है, ईजली डिग्रेडेबल कर देता है. ठीक है. अब RNA के जो नाइट्रोजिनस बेस है, RNA हैज टू नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरिन्स, इसमें भी प्यूरिन्स है और पिरामिडिन्स है. प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन जैसे कि DNA में होता है, बट प्यूरिन्स तो सेम है एडिनाइन ग्वानाइन. प्यूरिन्स तो RNA और DNA की सेम है, कौन कौन से, एडिनाइन और ग्वानाइन. बट जो पिरामिडिन्स है वो पिरामिडिन्स में क्या हो जाता है, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पे यूरोसिन, सी और यू, साइटोसिन एंड यूरोसिन RNA में. और यही DNA का पिरामिडिन्स होगा तो साइटोसिन होगा उसमें और दूसरा क्या हो जाएगा, थाइमिन होगा, यूरोसिल ना होकर थाइमिन होगा. तो राइबोन्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म हो रहा है, राइबोन्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है राइबो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस. राइबो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, जबकि DNA का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म हो रहा है, डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस. क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. और राइबो न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. एक न्यूक्लियोसाइड पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो वो राइबो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द DNA एंड RNA. DNA प्रेजेंट इन डीऑक्सीराइबोस, RNA शुगर प्रेजेंट इन राइबोस, DNA नाइट्रोजनस बेस, एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन थाइम और साइटिन. ठीक है, DNA में.
आरएनए में क्या नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट आर एडिनाइन ग्वानाइन साइटोसिन एंड यूरोसिल डीएनए इट्स ऑलवेज डबल स्ट्रैंड्स आरएनए इट इज सिंगल स्ट्रैंड्स बट समटाइम्स डबल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड्स आरएनए भी होते हैं डीएनए में इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डीएनए सब ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है बट आरएनए इट इज जेनेटिक मटेरियल ओनली ऑन सम वायरसेस आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ कुछ वायरस पर है जबकि डीएनए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एज ए जेनेटिक मटेरियल है क्लियर स्टूडेंट नेक्स्ट डीएनए इज अ केमिकल लेस रिएक्टिव ठीक है और स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल मतलब डीएनए ज़्यादा स्टेबल है जो आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल में रीड किया हुआ है कि इट इज़ लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल बट आरएनए इज अ केमिकली मोर रिएक्टिव और क्या है स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल और ऐसा क्यों है द प्रेजेंस ऑफ ओएच ग्रुप इन सेकेंड कार्बन क्लियर रीड किया ना द सेकेंड ओएच ग्रुप ऑफ राइबोस मेक्स सेकेंड ओएच ग्रुप ऑफ राइबोस मेक्स मोर इजली डिग्रेडेबल आरएनए को डिग्रेडेबल और मोर रिएक्टिव कौन बना रहा है उसकी सेकेंड पोजिशन पर जो उसका ओएच ग्रुप है सो आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पर आपको डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा क्लियर सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए वर्ड ऑलरेडी रीड कर चुके हैं ये देखिए आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्लियर ऐसा माना जाता है कि वो क्योंकि ये किस में कुछ वायरसेस में है वायरसेस सबसे ओल्डेस्ट लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के क्या है एक लिंक है These are also enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translations, splicing evolved around RNA. अब ये जो terms आ रहे हैं ना translations, splicing ये अभी आप लोग जब DNA replication read करोगे तो ये terms उसमें आएंगे तो let us be discuss in later on. Clear? There are some important biochemical reactions in living system that are कैटेलाइज वर आरएनए तो अभी आपको बताया ना कि आरएनए एज ए कैटेलाइज भी वर्क कर रहा है ठीक है नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स बट आरएनए बीइंग अ कैटेलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल और ये कैटेलिस्ट के तरीके से वर्क कर रहा है ठीक है ये मोर रिएक्टिव है अनस्टेबल है क्लियर सो देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन डीएनए का जो इवॉल्व हुआ है वो आरएनए से हुआ है उसमें केमिकल मॉडिफिकेशंस के थ्रू कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ और उससे आरएनए डेवलप हुआ है ठीक है दैट मेक्स इट मोर स्टेबल दैट्स अ रीज़न कि डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है डीएनए इज डबल स्ट्रैंडर्ड ठीक है डबल स्ट्रैंड्स होते हैं being complementary, having complementary strands मतलब दोनों strands एक दूसरे के complementary हैं further and further resist change by evolving a process of repair ठीक है अब इसको DNA को इस तरीके से develop किया जा रहा है कि इसमें repairing की जा सके यदि कोई default nucleotides है तो उसको repair किया जा सके ठीक है बेटा तो this is the called as RNA word in next video we will start replication so I expect you, all of you student, before seeing this next video, you just read what is replication. आप एक बार read करके आओगे तो आपको replication बहुत अच्छे से clear होगा because it is very complicated process और इस process में कई सारे enzymes use हो रहे हैं और जो cellular system पूरा इसमें involve हो रहा है cell के अंदर का system involve हो रहा है replications में ठीक है तो कैसे ऐसे प्रोसेस चलती है लेट अस डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू स्टूडेंट हैव अ नाइस डे